पेज नंबर 82 है लिंकिंग वेब पेजेस। पेज नंबर 82 पे है लिंकिंग वेब पेजेस। ए वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी वेब पेजेस। ए वेबसाइट होती है वो कई वेब पेजेस से मिलकर बनती है। एक वेबसाइट कई वेब पेजेस से मिलकर बनती है। ए वेबसाइट कंसिस्ट मेनी वेब पेजेस। दिस वेब पेज आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। और दिस वेब पेज आर लिंक्ड, और ये सारी वेब पेज किससे लिंक रहती है? एक हाइपरलिंक से रहती है लिंक। एक हाइपरलिंक से ये पेजेस क्या होती है? लिंक होती है। और ये हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक वह चीज होती है जिसपे जो लिंक कहीं क्लिक करने पे किसी ना किसी वेबसाइट के पास से जुड़ा रहता है और उस वेबसाइट तक हमें ले जाता है। ए हाइपरलिंक इज अ अंडरलाइन टेक्स्ट और इमेज विच व्हेन क्लिक लीड टू अनदर लोकेशन। हाइपरलिंक टेक्स्ट इज जनरली ब्लू इन कलर। और हाइपरलिंक जो होता है वो जनरली ब्लू इन कलर होता है। किस कलर में होता है? ब्लू कलर में होता है। हाइपरलिंक इज जनरली ब्लू इन कलर। देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपरलिंक अवेलेबल इन अ वेब पेज। दो तीन प्रकार के, देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्स अवेलेबल ऑन अ वेब पेज। वेब पेज पे तीन प्रकार के लिंक अवेलेबल होते हैं। वेब पेज पे तीन प्रकार के हाइपरलिंक अवेलेबल होते हैं, ठीक है? जैसे इंटरनल, लोकल, ग्लोबल। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है लोकल, और तीसरा होता है ग्लोबल। इंटरनल लिंक आर द सेम पेज। इंटरनल लिंक उसी पेज पे जाकर खुलता है, ठीक है? और लोकल लिंक टू अनदर पेज विदिन अ सेम वेबसाइट। और वो दूसरे पेज पर, उसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाकर खुलता है लोकल। और ग्लोबल लिंक पेज आर डिफरेंट वेबसाइट। और ग्लोबल लिंक जो होती है वो डिफरेंट वेबसाइट से लिंक की जाती है। ग्लोबल वेब पेज जो होती है डिफरेंट वेबसाइट से लिंक की जाती है, ठीक है? एंकर, अब इसमें टैग वगैरह पढ़ते हैं। एंकर टैग, तो एन एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट अ लिंक। इट इज डिनोटेड बाय ए विद ए एज ए टैग, as close a tag, as the opening tag is a opening tag and closing tag. Closing tag. It is container tag to link an external web page. The half hyperlink references attribute used to another tag. This attribute tag takes the URL of the link page in close the double quotes. ये सारी URL double quotes पे होते हैं। Example, to add the word contact us, the hyperlink to the HTML file. The code will be a half equal to double inverted comma details.html double inverted comma close tag one और contact us और a tag को close कर दिया गया। Clicking on contact us will direct the user to be details.html page. Creating a web page using a anchor tag. Creating a web page, कुछ web page के help से हम anchor tag, creating a web page, कैसे web page बनाते हैं? Anchor tag के मदद से। Suppose you have to create a web page as shown in figure 5.2. The web page displays a list of possible career for graduates. For more information on careers, the user can click on the link. Click on more information. This will direct users the web pages
jagranjosh.com as shown in figure 5.3. यहाँ पे कोई वेबसाइट लिस्ट ऑफ कैरियर ऑफ ग्रेजुएट्स, यहाँ पे कुछ वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट पे हमें क्या करना है, इसे बनाना है। यहाँ पे द एचटीएमएल कोड इज क्रिएटिंग इट, द वेब पेज शोन इन फिगर 5.2 इज एज शोन एज फॉलोस। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया गया है एचटीएमएल, ये टाइटल कैरियर, और अपने स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे नोटपैड खोलते हैं, नया पेज लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। HTML फिर हेड, HEAD हेड, हेड, उसके बाद TITLE टाइटल, CARERR कैरियर, OPTIO एंड ऑप्शन, TITLE टाइटल को हमने यहां से क्लोज किया और मैंने हेड को क्लोज किया, HEAD हेड। नीचे आए फिर हमने बॉडी में लिखा BODY, बॉडी, बॉडी BGCOLOR, कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्लैश EEFFEE, इसको बंद किया, XT टेक्स्ट लिखा इक्वल टू रेड और इसको क्लोज कर दिया। नीचे आए H1 LISTS लिस्ट ऑफ list of CARERS carriers FOR for GRADUATE as graduates H1 close। फिर यहाँ पे BR क्लोज, PR यहाँ पे ALIST जर्नलिस्ट, BR TEACHER टीचर, BR SOFT WARE software and GINWER engineer, BR DOCTOR डॉक्टर, एक एंटर कर दिया। उसके बाद फिर हमने लिखा BR BR फैशन डिजाइनर, FASHION DESIGNER फैशन डिजाइनर, इंटर। फिर हमने BR
ये BR मतलब बॉर्डर रो होता है, ठीक है, बॉर्डर रो, ENVIROMENTAL environment, TALIST, एक एंटर, फिर BR, ये और AHRE FR इक्वल टू, अब यहाँ पे लिंक देना है, यहाँ पे लिंक हमें खोलना है, तो एक हम लिंक खोल लेते हैं, JAGRAN जागरण, जागरण जोश, JOSH जागरण जोश, ये जागरण जोश खोला हमने, और इसकी जो लिंक है जागरण जोश, यहाँ जागरण जोश हमने खोला, जागरण जोश खोल के जागरण जोश खोल के और इस लिंक को हमने यहां से कॉपी कर ली, सेलेक्ट ऑल कॉपी, और हम यहां लाए और यहां पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये क्लोज, MORE मोर, INFORMATION इन्फॉर्मेशन, ठीक, ये क्लोज, एंटर, BODY बॉडी क्लोज, इंटर, HTML क्लोज, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसका नाम देते हैं हम सिंपल वेब पेज, ASIMPLE सिंपल, WEBPAGE वेब पेज .html सिंपल वेब पेज .html डालें, ठीक, और यहाँ पे ये है, इसको हमने क्लिक किया, ये सिंपल वेब पेज खुल रहा है। जैसा जैसा हमारे बुक में बना है दिख रहा है वैसा ही है ना, दिख रहा है वैसे ही है, लिस्ट ऑफ कैरियर, मोर इन्फॉर्मेशन, जब मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने जागरण जोश का लिंक बनाया है, देखो जागरण जोश का खुल गया,
जागरण जोश का जो लिंक यस डाला सर, था, यस सर, जागरण जोश का जो लिंक डाला था, देखो फिर से देखो, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। ये वेब पे ये है हमारा सिंपल वेब पेज, ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है सभी को ये सिंपल वेब पेज, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हमने खोला तो सर हेडिंग कहाँ है? क्या चीज हेडिंग? ये हेडिंग तो है जर्नलिस्ट, टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, फैशन डिजाइनर। अब मोर इन्फॉर्मेशन पे, जैसे हम मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पे खुल जाता है, क्योंकि मोर इन्फॉर्मेशन पे हमने वेबसाइट लिंक कराई है। तो ये देखो जागरण जोश का खुल गया ना यहाँ पे, देख रहे हो जागरण जोश का खुला है।